लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। मामले की जांच करने का भरोसा दिलाकर एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने का मामला उठा अधिकारियों के विरुद्ध। ये घटना है बंगाल के मालदा जिले की। घटना के बाद ही विद्युत कार्यालय के बाहर महिला सहकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला को चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। সামান্য কিছু অফিসিয়াল ব্যাপার নিয়ে একটু এনকোয়ারি করার জন্য তো এখানে আমাদের স্টাফ নীলিমা পালকে ডাকেন। তো ওনার দু একটা একটু ভুল পেয়েছিলেন, কিছু মিস্টেক পেয়েছিলেন, সেই নিয়ে ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে একটু হট্টগোল মোটামুটি হয়ে যায়। তো সেইখানে উনি হঠাৎ করে কাঁদতে থাকেন, নীলিমা পাল যিনি অসুস্থ হয়েছেন কাঁদতে থাকেন, কাঁদতে কাঁদতে চেয়ারে পড়ে যান। তো সেই অবস্থায় আমরা সবাই মিলে তুলি, তারপর এত মাথা ঘুরতে চোখ ফোক দিয়ে উল্টে দিচ্ছিল। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা হসপিটাল নিয়ে আসি। এখন তো এখানে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আউটডোরে দেখাবার পরই বলল অবস্থা খুব খারাপ, তো সেই জন্য বেডে অ্যাডমিট করে দিল এবং এখনও বলছে কী হবে এখন ওরা ডাক্তাররা বলতে পারছে না, তো অক্সিজেন চলছে। उत्तर दिनाजपुर के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लॉरी और यात्रियों से भरी एक ट्रेलर की टक्कर में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रेलर रायगंज से इटाहार की ओर जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रायगंज के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिलीगुड़ी सहित पूरा उत्तर बंगाल इन दिनों तस्करों का स्वर्ग बना हुआ है। ताजा मामला घड़ियाल तस्करी का है। वन विभाग ने रविवार को ही उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा से 4 छोटे छोटे घड़ियालों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पूछताछ के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिनसे वन विभाग के अधिकारियों का भी सिर चकरा गया है। आसनसोल नगर निगम के समक्ष मुंशी प्रेमचंद की 138वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, एमआईसी अभिजीत घटक, पार्षद उमा शराफ, बोरो चेयरमैन संजय नोनिया आदि मौजूद थे। आसनसोल के मेयर ने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद के बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।